तो दोस्तों मैंने ये न्यूट्रल की तार तो इस सॉकेट के पॉइंट में जोड़ दी है और फेज की तार इन तीन स्विच में जोड़ दी है और ये हमको इन्वर्टर में चलाने हैं, इसलिए मैंने इन्वर्टर की जो ये तार है ये इनमें जोड़ दी है। और अगर आपको ये भी इन्वर्टर में चलाने हैं तो इस फेज की तार को हटा दें और एक तार इसमें से यहाँ तक जोड़ दें। तो दोस्तों अगर फेज की ये भी इन्वर्टर में चलाने हैं तो ये तार एक इस तरह से इसमें जोड़ दें और इस फेज की तार को हटा दें। और दोस्तों ये आपके कनेक्शन है, जो ये गांठ लगी हुई है ये मैंने फैन के कनेक्शन किए हुए हैं। जब भी एक रंग की वायर होती है तो मैं ये पंखे वाली वायर की मार्किंग कर देता हूँ, तो इससे दोस्तों जो रेगुलेटर का कनेक्शन है उसमें करने में दिक्कत नहीं आती, इसे दोबारा नहीं खोलना पड़ता। और अलग रंग की वायर हो तो दोस्तों मैंने ये भी कनेक्शन इसके कर दिए हैं। एक पंखे का जोड़ दिया, ये दूसरे पंखे का और ये लाइट का, और इसमें भी ये तीनों लाइट के इसमें जोड़ दिए, एक दो तीन। तो दोस्तों इसमें मैंने ये चार पेज इसमें लगा दिया और ये सीट कस दिया।